ओम शांति कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों आपका स्वागत है कविताएं एक हास्य लेप की तरह भी होती है और एक प्रभु से मिलाने वाली भी होती है साथ ही साथ जिंदगी के संग चलने वाली भी होती है जहां तक मैंने अभी तक की जितनी भी कविताएं पढ़ी सुनी देखी समझी उनको जानने की कोशिश की मेरे साथ साथ आप भी कर रहे हैं कविताएं जीवन में बहुत सारा उमंग उल्लेख लेकर आती हैं पिछली कड़ी में हमने बात की थी भक्तजन के बारे में वह अधूरी थी आज हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे भगत जन सबसे बड़ा शब्द ये जिंदगी में लेकर आता है कैसे एक इंसान प्रभु को पाने के लिए कितना कुछ करता है बड़ी बड़ी मंजिलें प्राप्त कर लेता है लेकिन प्रभु को नहीं पा सकता है कहते हैं मैंने अपने कितने बड़े घर बना लिए गाड़ियाँ हो गई ये हो गया वो हो गया बहुत कुछ प्राप्तियाँ की लेकिन एक प्रभु को नहीं पा पाया तो वो जीवन में क्या कर सकता है हम इस कविता के सारे प्रभु को जानने की कोशिश कर रहे हैं और आज के इस एपिसोड में भी यही कोशिश करेंगे आइए बात करते हैं यशपाल शर्मा जी से और उनका स्वागत करते हैं यशपाल शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है में मुझे जहां बुलाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद -बहुत जी आपकी इस कविता में मैंने पढ़ा ज्ञानी ध्यानी अधर है आस जिस तरह से आप एक मोन साधक कवि भी हैं वो मोन आपका इस भक्त जन में भी आता है एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में गए और आप सबसे बड़ी बात आपकी ये भी है कि आप योगा भी करवाते हैं हाँ। तो साधक कवि होने के साथ साथ हुँ। योगा हुँ। और ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद आपने योग अभ्यास भी किया होगा तीनों में क्या अंतर नजर आता है आपको मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ आकर के जब आता हूँ तो एकांत मिलता है शांत वातावरण मिलता है जी यहाँ पखंडाबाद नहीं है ऐसे गुरु जो बने हैं जी मैं बहुत जगह जाके देखा कि वहाँ पखंडाबाद है दंडवत होके के, के प्रणाम करो गुरु जी को गुरु जी के लिए ये लेके आओ जी वो लेके आओ जी फिर को पूछने वाला नहीं है सौ चला जा रहा है वहाँ तो मुफ्त लंगर मिलता है जी हैं वहाँ जी बड़ा आराम है जी और उसका परिणाम बाद में क्या निकलते हैं वहाँ पे, जो निकलते हैं वो अखबारों में यहाँ पढ़ लेते हैं मुझे जहाँ आकर करके ऐसे जहाँ की व्यवस्था है मुझे जी बहुत अच्छा लगा कि नारियों को अलग से रखा गया और पुरुषों को अलग रखा जाता है जब ज्ञान की बात आती है जब प्रवचन होता है तो सब बैठते हैं सुनते हैं उसके साथ योग लगाते हैं और एक बात जो सबसे बड़ी है जो सब धर्म मानते हैं सब जितने मिशन है सब मानते हैं कि ईश्वर एक है शिव एक है नूर एक है परमात्मा एक है अल्लाह एक है करतार एक है नियंता एक है तो फिर झगड़े किस बात के कौन बड़ा कौन छोटा यही एक सबसे बड़ी जो एक समस्या है जो दिमाग से निकलती नहीं योग जितना मर्जी कोई आदमी लगा ले, जब तक आदमी का मन शांत नहीं है जब तक वो शल फरीबो से परे नहीं है वो उसका मन स्थिर नहीं हो सकता वो पारे की तरह बोलुटता रहता है शांत नहीं हो सकता जमाने के बंदर की तरह है जो टिकेगा नहीं टिकेगा तब ही जब उसमें से ईर्षा द्वेष निकल जाएंगे कि ये दो मगरमश जो विशिष्ट में विशिष्ट महाराज ने कहा है कि हे राम मनुष्य में दो ये ऐसे मगरमश है जो आदमी के जितने गुण हैं सारे चटकर जाते हैं उसका गुरु जी वो क्या कौन कौन है कहा एक ईर्षा एक द्वेष है और पतंजल योग में एक श्लोक आता है अविद्या अस्मिता राग द्वेशा अविनिवेशा कलेशा उन्होंने कहा कि पांच क्लेश हर इंसान को लगे हुए हैं अविद्या क्या है एक शिव को छोड़ करके बाकी जो कुछ है सारा मिटनहार है वो बचने वाला नहीं है अस्मिता मैं और मैं सारी ही जो आ, दुनिया में जितने क्लेश हैं घरों में क्लेश हैं वो सारे अहम के हैं मैं के हैं कोई छोटा बनना जानता ही नहीं कोई मैं बड़ा हूँ इससे कोई कभी कई कवियों को देखते हैं साहित्यकारों को देखते हैं मुझसे को अच्छा लिख ही नहीं सकता उनमें इतना अहम है एक डॉक्टर हमेंद्र हर महेंद्र संघ वेदी जी आज कल वो दर्श धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के वो चांसलर हैं तो मैं जब भी कोई कोई उपन्यास लिखना होता है को पोइट्री के ऊपर कोई किताब लिखनी होती है तो मैं जब उन, उनके पास विचार विमर्श करता हूँ तो मैंने एक सवाल उनसे किया कि बेदी साहब मेरे मन में एक बात आ रही है कि एक अच्छा साहित्यकार बनने के लिए एक अच्छा कवि बनने के लिए आदमी को किस चीज़ की जरूरत है तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया कि एक अच्छा इंसान होना एक अच्छा इंसान जो है वो एक अच्छा साहित्य लिख सकता है अच्छी पोइट्री दे सकता है जो खुद ही ईर्खा द्वेष से गिरा हुआ है वो लोगों को वो लोगों को क्या देगा एक अच्छा इंसान होना ही इंसान के लिए सबसे बड़ी बात है आदमी सब कुछ बन सकता है किंतु एक अच्छा इंसान पढ़ना आदमी के लिए सबसे सबसे कठिन चीज है और मनुष्य किसके आगे हारता है मन के आगे हारता है अहम के आगे हारता है और गुरु लोग कहते हैं मैंने एक प्रश्न एक पहुंचे हुए महात्मन जिसे किया कि हे महात्मन ये जो पांच विषय विकारों की बात करते हैं काम क्रोध मोल और की बात करते हैं तो इसके विषय बताइए कि इनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कैसे इन पर नियंत्रण कर सकते हैं उनके बेटा ये तो बड़ा सरल जवाब है गुरु जी आप मुझे बताइए इसके बारे में कहने जो काम है केवल अपनी स्त्री तक एक सीमा तक शादी इसीलिए की जाती है कि वो उसकी को मर्यादाएं हैं अपनी मर्यादा में रहकर के और गीता में भगवान ने क्या कहा कि मैं शास्त्रानुसार काम हूं जितने बच्चे हमने पैदा करने हैं वो पैदा करने के लिए काम है उससे ज्यादा जो करता है जो औलाद पैदा करता है जरूरत से ज़्यादा वो अनैतिक है जो चाहत के बिना बच्चा पैदा होता है वो कहता है ये सही महीने में वो संस्कार के हमारी संतान नहीं हो सकती क्रोध के बारे में बात की कहले आदमी को अपनी जो गलतियाँ हैं उसके ऊपर क्रोध करना चाहिए दूसरों के ऊपर क्रोध करने के बजाय पहले आपने देखो कि मुझ में क्या क्या कमियाँ हैं उन कमियों को सुधारने के ऊपर आपने वो क्रोध करके देखे कि ये कमी आज तक में क्यों है लोभ की बात आती है ये नहीं है कि भाई भाई का सिर काटे कि ये मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए मैं इसे कत्ल कर दूंगा ताकि सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए लोभ करना है तो कर्मों का करिए नाम का करिए किसी जो जरूरतमंद है उसको उसकी सहायता करिए एक पुण्य कमाइए दुआएं लीजिए दुआवाई ना लीजिए और अगर मोह करना है तो परम पिता परमेश्वर से करिए जो अंतम समय तक अंतम समय हमारे साथ जो साथी बढ़ना वाला है वो वही एक ईश्वर है जो हमारे साथ चल सकता है बाकी सब यहां रहने वाले हैं तो मैंने गुरु जी ये अहंकार कहता ये नहीं इसे इस्तेमाल नहीं करना है चार का एक एक समय है वो समय अनुसार करना है मैंने कहा अगर कोई कोई इंसान जा रहा है उसके बीबी को बाजू से पकड़ करके उसको पीछे धकेलता है तो क्या करे कहता उस समय उसके चेतावनी दे दो कि अपने आप को समझ जा अगर नहीं समझना तो फिर कार बन करके उसके ऊपर टूट पड़ो कहता क्रोध करते क्रोध का कर ये भी नहीं कि हम किसी के ऊपर क्रोध करें ही नहीं जब कोई हमारे साथ समझाने के समझाने के बाद भी वो नहीं समझता है तो फिर उसके ऊपर काल बन करके टूट तो इसमें क्या आता है योग योगा साधन बिल्कुल ये है हैं हमारी नहीं इस्तेमाल करना है तो हमने अहंकार नहीं करना है की बात कर रहा था कि अस्मता संसार में जो जितने हमारे परिवार में झगड़े होते हैं वो अहम के कारण होते हैं मियाँ बीबी में होते हैं भाई भाई में होते हैं मित्र मित्र में होते हैं पड़ोसी पड़ोसी में होते हैं एक दूसरे देश में होते हैं पाकिस्तान को देख लीजिए वो कहता है कि मैं हिंदुस्तान से बहुत बड़ा हूं इसे मिटा करके रखूंगा मैं आतंक के बल के ऊपर और हो क्या रहा है वो खुद आतंक उसे खुद ही खाए जा रहा है उसे खुद ही अब अब वहां पर लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं जो चीजें हैं वो पांच पाँच छः छह गुना उनकी कीमत बढ़ गई है लोग लो उसकी जान को रो रहे हैं अस्मिता राग अविद्यामता राग राग द्वेशा अभिनिवेशा, क्लेशा और राग क्या है कि विषयों के प्रति विलासता के प्रति जो हमारा एक मोह बना रहता है एक आकर्षण बना रहता है उसे हम राग बोलते हैं और द्वेश क्या है किसी की बढ़ती हुई देख करके एक अच्छी जायदाद एक अच्छा बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है कहीं अच्छे ऊंचे जगह पे चला गया अच्छी पदवी मिल गई है उसको चार पैसे आ गए हैं सुंदर घर बन गया है गृहणी अच्छी है उसकी तो एक द्वेष पैदा एक जलन पैदा होती है हुँ। हुँ? और यही हमारे रोग के कारण हैं यही हमारी अशांति यह के कारण है और अविनवेशा मर जाने का डर हर आदमी डरना फिरता है कि मैं मर ना जो जड़ जोनिए हैं जैसे सांप है चूहा है बिल्ली है कुत्ता है या भी इनको ये लगता है कि हमें हमें को मारने के लिए उठा है तो वो जान वो जान बचाने के लिए भागते हैं तो ये पांच जो क्लेश हैं जो हर इंसान को लगे हुए हैं आपकी पंक्तियां हैं दुख अशांति से बचने का सुख धाम का राह बताया जो समझा प्राणी नारायण बना शेष ने जीवन व्यर्थ गवाया भक्त मोती प्रभु तू है धागा नीलम भक्त तू अनंत आकाश चंचल चितवन तू है दाता संत है उसमें मीठी आस रूप अलौकिक तू मुखड़े का ज्ञानी ध्यानी अदर है आस भक्त नश्वर यह है काया तू हत रूप रूप नंदन पास सुंदर जीवन ऋषि मुनि है तू है उसमें लक्ष्य अभिराम वनस्पति है भक्त प्यारे भूमे करे तू गर्भा धान भगवान ने कहा है गीता में कि मैं स्त्री के गर्भ में मैं बीज स्थापन करने वाला मैं हूं ईश्वर की इच्छा इंसान की इच्छा उसके कर्मानुसार उसे उसे फल मिलना है कर्मा थ्योरी आ जाती है जैसा कर्म है वैसा उसे भोगना ही है और बड़े बड़े संत फकीर महात्मा हुए हैं अब नामदेव की पिछले एपिसोड में बात हो रही थी जी। तो वो उस समय के हिसाब से वो नीची जात के थे तो जिस मंदिर के पीछे उस समय एक महोत्सव एक धार्मिक महोत्सव चल रहा था तो वो मंदिर के पीछे बैठ करके वो खड़तालें बजा रहे हैं और उसकी याद में वो जुड़े हुए थे और गा रहे थे तो जो मंदिर के पुजारी थे उन्होंने उसे पकड़ करके उठाया निकलो जहाँ से जहाँ तमाशा लगा रखा है तूने तो नाम जी रोए हे परम पिता परमेश्वर मैं तेरा बच्चा हूँ मैं तुम्हारा नाम ध्यान कर रहा हूँ और देखो मुझे ये दे उठा करके कहाँ फेंक दिया उस मंदिर को मैंने देखा है मैं जब हयूर साहब गया तो मुझे उस मंदिर को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उस मंदिर का जो दरवाजा है वो जिधर जाकर के उन लोगों ने पंडों ने जाके उसे बिठाया, जो मंदिर का दरवाजा था उधर को हो गया सो ये भक्तों की एक जो भगवान है वो अपने भक्तों की तोहीन पसंद नहीं कर सकता अपने भक्तों को देख करके बतौड़े जाते हैं द्रौपदी की बात करते हैं कि जिस समय दुर्योधन और उसके दूसरे भाई उसे नग्न करने के लिए तोले हुए थे तो उसने कहा कि ये भीम है अर्जुन है सुखदेव है नकुल है बड़े बड़े ये योदा हैं तो ये मेरी रक्षा करेंगे ये अब देखा सारे सिर झुका के बैठे हैं और उसे अपनी असमत के लाले पड़े हैं तो उसने भगवान को याद किया हे hey कृष्णा मेरी लाय रखो hmm. तो भगवान दौड़े चले आए उन्होंने ऐसा चमत्कार किया वो साड़ियों के ढेरों को ढेर लगे गए जो कौरव महारथी थे जो उसे नगन करने के ऊपर तले हुए थे वो सारे के सारे पसीनों पसीनी हैं रात सभा पूरी कपड़े से भर गई है किंतु जो द्रौपदी है वो उसको उससे जो कपड़ा वो उतार नहीं पाए तो भक्त दौड़े आते हैं बस शर्त ये है कि उन्हें को दिल से पुकारे तो सही हम प्रहलाद की बात करते हैं कि उसका बाप कहता था कि मुझे तुम ईश्वर मानो उसने कहा नहीं मेरे पिता तू मेरा लौकिक पिता है तू वो पिता नहीं हो सकता वो सृष्टि को चाहने वाला है मेरा वो पिता है मैं तुझे ईश्वर नहीं मान सकता तो उसने कई कुछ किया आ, हाथी के नीचे उसे लटाया कि हाथी से पैर रखेगा और जो कुतला जाएगा मर जाएगा तो सारी जो उसकी प्रजा थी उसे ईश्वर रूप में मानती थी उसने घोषणा कर रखी थी कि जो मुझे ईश्वर नहीं मानेगा उसे मैं मृत्यु दान दूंगा तो डरते हुए लोग उसी का नाम जपते थे कहीं कान में जे पढ़ दे कि जे ईश्वर नहीं है तो लोगों का डर था कि जे हमें मर देगा फांसी दे देगा और कोलू में जे पिड़वा देगा हमें तो उसका पुत्र रूप में ऐसा कहते हैं कि जिसे कोई नहीं सुधार सकता उसे अपनी औलाद सुधारती है औलाद सीधी लाती है राजे जितने बड़े बड़े हुए हैं या धनबान हुए हैं जहाँ हम साधारण अपने घरों में भी देखते हैं हुँ हुँ हु. कि आदमी कितना क्रोधी होता है कितनी मनमानी करना करने वाला होता है और उसकी संतान जब उसके सामने खड़ी होती है तो उसकी नाक नीचे हो जाती जी, है। जी, जी, जी। और भक्त ने उसे प्रहलाद ने उसे पहाड़ की चोटी से गिराया गया किंतु बच्चा वो मरा नहीं भगवान संभाल लेते थे उसे आखिरकार उसने सोचा जी ऐसे भी नहीं मरेगा उसने अपने नौकरों कहा कि ये जो खंभा है ये लोहे का है इसको तपा दो उसे तपाया लाल खंबा है और प्रहलाद को कहा कि पकड़ो इसे तो प्रहलाद जो था वो डर गया कि मैं जल जाऊंगा भगवान ने एक चींटी का विष्णु ने एक चींटी का रूप बनाया और उसके ऊपर चलने लगा <laughs> तो प्रहलाद का जो मन था बालक जो था वो अब वो था फिर भी उसे मन में आया अगर कीड़ी नहीं जल सकती तो मैं कैसे जल सकता हूं उसने खम्भे को हाथ और खम्बे के बीच में वो सिहा सिंह के रूप में अवतार के रूप में जो विष्णु जी वो प्रकट हुए hmm. तो जैसे वो खंबा फटा वो अवतार बाहर आए सिंह के रूप में और उसे हृणक्ष रख लिया उसने इतनी भक्ति की थी उसने ये वरदान भगवान से लिया था कि ना मैं दिन को मरूँ ना मैं रात को मरूँ ना मैं अस्त्र से मरूँ ना मैं शस्त्र से मरूँ और ना कोई इस तरह की उसने आ, ना मुझे कोई को पशु मारे और ना मुझे कोई इंसान मारे तो भगवान ने क्या किया कि आधा एक पैर उधर किया एक उधर किया उसने अपनी जंगा के ऊपर रखा कहने हृणक शपक देखो आधा सूरज अंदर है आधा बाहर है ना तो कमरे के अंदर है ना तो बाहर है ना मैं पशु हूँ ना मैं नर हूँ नीचे से नर हूँ ऊपर से पशु से हूं मैं <laughs> तू कहता अस्त्र से शस्त्र से इतने के नाखून से देखो ये मेरा नाखून है तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हुई और जैसे उसके पेट में अपने नाखून को चबोया, <laughs> चबोया और उसके पूरे उसे उसके प्राण उसने हर लिए सो ईश्वर हम आस्था रखें विश्वास रखें और कहते हैं कि ईश्वर ईश्वर जब तक वो हमारे साथ है हम हैं जब वो आ, वो आत्मा रूप में निकल जाते हैं तो हम मुर्दा हो जाते हैं एक विश्वास हो वो मेरे साथ है जी, जी, जब विश्वास ही नहीं, नहीं है तो फिर, प्रभु तो फिर बात क्या बनी फिर जी।, जी, जी, जी। आगे आपने लिखा है बनस्पति है भक्त प्यारे भू में करे तू, का रूप तू है भक्त प्यारे हैं परवाने मिलन तेरे को तड़पा करते प्राण की कीमत कोडी जाने संत बाती तू भव्य चिराग मीन है बस तू शीतल जल धारा मानव जीवन लंबी गाथा तू है उसका जीवन सार भक्ति ज्ञान ध्यान वैराग्य भक्तों के सुंदर अलंकार जिनको तुझसे सच्चा स्नेह जग को जाने स्वप्न निस्सार लाख डरावे ओ प्रलोभन न भक्तों को डरा सकते प्रभु चरण कमल में बन भावरा नहीं उसे हटा सकते ध्रुव प्रहाद के भक्त जन संसार हेतु हैं चिराग युगो युगों के जीवों हेतु बनते प्रेरणा आधार यहां पर आपने ध्रुव प्रहलाद से भक्तजन शायद वही आपने अभी दो द्रुप मैं की दी है वही मैंने वक्त मैं के अप, अपने आ, प्रहलाद की मैंने दी है जी। कि ये बच्चों ने बाल रूप में उसे प्राप्त किया है तो ईश्वर उसके साथ है जो उसे मानता है जो नहीं मानता है उसके लिए कुछ भी नहीं है बस आदमी का स्वभाव जो है कोई सरल स्वभाव हो उसके कर्म सही हूं वो अच्छे विचारों वाला होना चाहिए अच्छे आचरण वाला होना चाहिए एक मर्यादाओं में जीने वाला होना चाहिए बिना मर्यादाओं के ईश्वर कहता है नहीं ये बात नहीं तो बोलते हैं कि जंगलों में जाकर हमें साधना करनी है पहाड़ों में, में जाकर हमको साधना करनी है नदियों में जाकर हमको साधना करनी है वहाँ पर हमको प्रभु मिलेंगे प्रभु जो हैं वो हमारे हमारे कर्मों में बसे हैं हमारी आस्था में बसे हैं हमारी प्रेरणा में बसे हैं स्वामी रामतीर्थ की, की मैं बात करता हूँ मैं पढ़ रहा था कि जब वो सोते थे तो ईश्वर की याद में वह भगवान कृष्ण के उपासक थे जब मुझे उस वो इतने भावक हो जाते थे कि सुबह जब उठते तो पूरा जो उनका सहना होता था वो तो सारे आंसू से भीगा हुआ होता था, था और एक बार ऐसे कहते हैं कि सुबह उठ करके उन्हें सुबह दूध की वो वो दूध पीते थे तो एक शिष्य उनके साथ पहाड़ में जा रहा था कहीं उन्होंने जाना था तो शिष्य ने एक प्रश्न किया कि स्वामी जी अब हम ऐसे पहाड़ में आ गए हैं जहाँ पे दूध की तो बात ही नहीं हो सकती अब आप क्या पियोगे देखते हैं तुम्हारा कृष्ण कहाँ से तो दूधता है बेचता है उसने कहा जो उसकी इच्छा है जो प्रभु इच्छा होगी मुझे मिलेगा मुझे आस्था है मुझे दूध मिलना है वो चलते जा रहे हैं ईश्वर की चर्चा करते जा रहे हैं देखते क्या है बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर एक ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है जैसे जैसे को पास आ रहा है कि यहाँ कोई इंसान आ रहा है लग रहा है वो भी चलते जा रहे हैं एक जगह कहते भैया थोड़ा बैठ जाए थक गए हैं थोड़ा सा तो आते आते देखा एक औरत आ रही है उसके सिर के ऊपर एक बर्तन है धीरे 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 आते आते आते, आते महात्मा जी के जब पास आई तो वो अपना वो बर्तन उठा करके के वो नीचे बैठ गई स्वामी राम तीर्थ तो और शिष्य के पास पहले उसने महात्मा अपने राम तीर्थ जी को नमस्कार किया महात्मा जी आपको नमस्कार है फिर कहने लगा कि ये मैं ना ये मैं दूध लाई हूँ मैं कि मेरी जो गाय है वो वो दूध वाली हुई है तो मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि जब भी ये दूध वाली होगी तो मेरे बच्चे भी पिएंगे किंतु तो सबसे पहले मैं किसी महात्मा को दूध मैं दूंगी पीने के लिए तो मेरी इच्छा पूरी होगी आप मुझे मिलके तो उन्होंने पहले अपने शीशे को दूध पिलाया कि पहले तू पी भाई तू मेरा मजाक उड़ा रहा देखो भगवान ने दूध पे दी है फिर उसने पिया ये एक आस्था है एक कहते हैं कि पत्थर से भगवान प्रकट होते हैं धने भक्त की बात करते हैं हम वो बड़ा बोला वाला था किंतु सरल था पूरा जट आज के आज के आ, आज की जो जट जाति की तरह नहीं वो भोला वाला जट था वो, वो पंडित जी के पास गया घर में गया तो अगर पंडित जी घंटी खड़का रहे थे तो ठाकर जी की पूजा कर रहे थे उसका महात्मा जी पंडित जी ये क्या हो रहा है कहता भई ये हमारा ठाकर है यार मुझे भी दे दो ठाकर तो उसने कहा भाई इसको भोग लगाना पड़ता है कोई गांव लगा देंगे हमें क्या जो जो बनता है वही इसको खिलाना है वो उसने पत्थर इतना दे दिया कि ये मूर्ख है ये ये जो धना भक्त है मूर्ख है ये जाके दू बताब करता रहेगा वो अपने घर ले आया घर लाया तो उसने साग और मक्की की रोटी बनाई ला पे ठाकरा खा जैसे उसकी बोली थी वैसे कहनी थी अ खा खाना तू अच्छा वो ठाकर खाए नहीं तो वो उठे नहीं कर तो तू अब तक नहीं खाएगा मैं भी नहीं खाऊंगा ए देखता हूँ कितनी देर तू भूखा रहता है उतनी देर मैं भी रह सकता हूँ ए तुझे भूख लगेगी तो खुद खाएगा क्यों नहीं खाएगा उसकी स्त्री को ये बहम हुआ कैसे शायद कुछ जो बाहर की शैबला है उसने उसमें कर दी है झाड़ू पोछा उसे किया गया उसने ये करो वो करो उसने कहा चले जाओ यहाँ से मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को मेरी और ठाकुर के बीच में किसी को आने की बात नहीं है आखिर आखिर भगवान को होने पड़ा, में आना ही पड़ा। ये नन्हे प्रेम है ये नन्हे प्रेम है उसे आना पड़ा आना उसने सब कुछ खाया और ऐसा कहते हैं वो कहना देखो ठाकरा अब वापस नहीं जाना है और मेरे और नके पानी लेके न बनने न मैं कल्ला आदमी है कुछ बताते करा तू बेला सारा दिन रहना तू बोला बोला स्व से कहते हैं कि भगवान कृष्ण उसके प्रेम में बन गए उसके खेतों में भी काम कर रहे हैं So, ये, ये प्रेम की बात प्रेम की बात है आपकी ये झलक ये रहा है कि अगर हम सच्चे दिल मतलब दिल सच्चा होना बिल्कुल कुछ उस, भी हो जाए उसके कर्म सच्चे होने चाहिए उसका मन वही बेदी साहब की बात डॉक्टर बेदी साहब की बात हमें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं किसी मन, मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं किसी कहीं भी ऐसी जगह जाने की जरूरत नहीं कोई जैसे हरिद्वार हो ये द्वार हो कोई भी द्वार हो कहीं जाने की जरूरत नहीं कर... एक सच मतलब कहने का भाव मेरा हाँ। ये है कि अगर सच्चे दिल से अगर हम प्रभु को याद करें तो वो हमारे साथ है बिल्कुल

जीवों के ऊपर ये जितने ये संतों के महंतों के डेरे हैं ये सारे लोगों के सर के ऊपर पल रहे हैं जी जी अगर वो ना कुछ लेके आए या साधु संत की आ, को जो जरूरत है ना दें तो ये क्या करेंगे नौकरी करने कहाँ जाएंगे दिहाड़ी लाने कहा जायेंगे तो गृहस्थ में रह करके अपनी जिम्मेवार को निभाते हुए हाँ, इसीलिए भगवान ने सबसे बड़ा जीवन दिया है गृहस्थ जीवन गृहस्थ जीवन दिया है इससे बड़ा जीवन कोई है नहीं और सब जितने भक्तजन हुए हैं उनके अपने परिवार हुए हैं चाहे कबीर है चाहे नानक है चाहे दशम गुरु है चाहे नौवें गुरु है और चाहे रायदास जी हैं चाहे अनुसुईया के पति हैं ये सब के सब गृहस्थी हुए हैं चाहे विशिष्ट है चाहे विश्वामित्र है ये सब गृहस्थी हुए हैं कृष्ण गृहस्थी था आराम गृहस्थी था <laughs> जो सारे ग्रस्त ही हुए जी जी बिल्कुल बिल्कुल बस तो ग्रस्त में रह करके अपनी जिम्मेदारियों को निपटाते हुए एक विशेष बात यही है कि हाँ। सच्चा दिल मतलब एक दो शब्दों में बोला जाए कि सच्चा दिल बिल्कुल 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 आपकी इस भक्तजन की कविता में एक ही बात नजर आती है कि हमें सत्य से प्रभु को याद करना है सत्यता से प्रभु को याद करना है तभी हम सुख धाम और शांति धाम को प्राप्त कर सकते हैं तभी अपने जीवन में शांति ला सकते हैं तभी हम दूसरों के प्रति सुख ला सकते हैं आपकी ये कविता हमें बहुत अच्छा संदेश देती है मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को काफी अच्छी लगती है और लगी भी होगी आप हमारे इस कार्यक्रम में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मित्रों सत्यता हमारे जीवन की एक नाव है वो भले हिलेगी डूलेगी लेकिन डूबेगी नहीं और भगवान जिसके साथ है उसके नाव कभी डूब ही नहीं सकती लेकिन सत्यता से उसको याद करना पड़ेगा अगली कड़ी में नई कविता के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार ओम शांति ओम शांति नमस्कार